राज्य के विकास में सड़कों और पुलों का महत्वपूर्ण स्थान है। बिहार के विकास में सड़कें बड़ा रोल निभा रही हैं, तो पुलों के जरिए दुरूह रास्ते पर भी लोग फर्राटे लगा रहे हैं। सड़कें दिलों को जोड़ रही हैं, विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कोसी अंचल को दोहरी सौगात दी। कोसी अंचल की दोहरी सौगात, बीपी मंडल पुल का लोकार्पण, पटना से अब नेपाल जाना आसान। खगड़िया समेत कोसी वासियों को आज एक साथ दो तोहफे मिले। पहला, खगड़िया जिले में कोसी और बागमती नदी के संगम पर बने बहुप्रतीक्षित बीपी मंडल सेतु पर आज से परिचालन शुरू हो गया। दूसरा, कोसी और मिथिलांचल को जोड़ने वाली गंडौल बिरौल सड़क पर भी आज से गाड़ियां दौड़ने लगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों ही योजनाओं का खगड़िया और दरभंगा से उद्घाटन किया। हम लोगों की कल्पना है कि जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार, वैसे ही पंचायत सरकार। हमारा गांधी जी का जो विकेंद्रीकरण का सपना है, उसको हम साकार करना चाहते हैं, इसलिए पंचायत सरकार भवन। मित्रों, केवल चार दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री दरभंगा आए थे और दरभंगा में हवाई सेवा प्रारंभ हो, इसके लिए उन्होंने शिलान्यास करने का काम किया था। और आज फिर चार दिन के बाद मुख्यमंत्री जी आए हैं और ये गंडौल बिरौल इस पुल के निर्माण, इस पुल के उद्घाटन के लिए यहाँ पर आए थे। दरभंगा के नेताओं ने नई सड़क को विकास की सड़क का नाम दिया। बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी ने कहा कि ये बड़ा काम मिथिलांचल और कोसी इलाके के लिए हुआ है। चार साल पहले तक इस इलाके में पानी भरा हुआ था, लेकिन अब सड़क बनने से हालात बदल गए हैं। और यह सिर्फ यातायात का साधन नहीं, उस समय लोग बीमार पड़ते थे, यहाँ तक इस इलाके में लोगों को, नौजवान साथी को शादी करने में भी परेशानी होता था। बहुत सारे अच्छे घर परिवार के लोग यहाँ के लड़का को पसंद नहीं करते थे, सिर्फ यहाँ के आने जाने में कठिनाई होने के कारण। कोसी क्षेत्र के लिए आज विशेष दिन है या कहें कि सौगातों का दिन है, और देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है ये जा रहे हैं। इस तरह के कई समूह जा चुके हैं। हनुमान नगर में मुख्यमंत्री की सभा हो रही है और वहां से जो एक सौगात है, ये कहेंगे कि सौगात दी जाएगी, एक सड़क की सौगात है, सड़क सह इसमें जो छोटे छोटे पुल है उनकी सौगात है। वही 8 साल से बंद बीपी मंडल पुल के पुनः चालू होने से महेश खुट से सिमरी बख्तियारपुर सहरसा मधेपुरा होते हुए पूर्णिया जाने में सहूलियत होगी। साथ ही पटना से पड़ोसी देश नेपाल जाना आसान हो गया है। खगड़िया से हितेश कुमार के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, दरभंगा।